अगले महीने की 25 तारीख को देश को नए राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इस बीच एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में 3 महिलाओं के नाम पर विचार किया जा रहा है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम शामिल है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता है। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी है। वह पहली ओडिया नेता है जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2002 से 2004 तक वह मंत्री भी रह चुकी है। गौरतलब है कि लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीट एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित है। 60 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में है। ऐसे में आदिवासी के नाम पर चर्चा चल रही थी। इससे बीजेपी को चुनाव में भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 1.5 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे, जिसका सियासी तौर पर लाभ भाजपा को मिलने की संभावना जताई जा रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।